अस्सलाम वालेकुम प्रिय स्टूडेंट्स, आई एम शोर लेक्चरर बाबर अकरम। आज के लेक्चर में हम एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे होंगे कि इनिशियल रिकॉग्निशन और उसकी पेमेंट, और पेमेंट में फिर हम देख रहे होंगे कि कैसे जो है हम उसका गेन या लॉस जो है वो रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो लेट स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है पाकिस्तानी कंपनी सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर इन सऊदी अरेबिया फॉर सऊदी रियाल 72,000। यानी आपने 72,000 सऊदी रियाल के अगेंस्ट किसी सऊदी कस्टमर को आपने चीजें सेल आउट की, किस डेट को? ऑन 12 सितंबर, व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज रुपीज 42 पर सऊदी रियाल। यानी एक सऊदी रियाल जो था वो पाकिस्तानी रुपीज में कितने का था? 42 रुपीज का। ओके, इट रिसीव्ड पेमेंट ऑन 19 नवंबर, व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज रुपीज 44। आपकी ट्रांजेक्शन किस डेट को हो रही है? 12 सितंबर को। अब ट्रांजेक्शन 12 सितंबर को हो रही है, तो आपने 12 सितंबर के हिसाब से एंट्री पास ऑन कर ली होगी। लेकिन जब आपको पेमेंट रिसीव हो रही है किस डेट को? 19 नवंबर को। तो उस डेट पे जो रियाल की कन्वर्शन का रेट था वो 44 रुपीस था। ओके, कहता जी दी फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर, जनरल एंट्रीज मुझे कहता जी पास ऑन करके थे पेमेंट की भी, और जो आपने उसको सेल रिकॉग्नाइज सेल की है अपना रिसीवेबल बनाया होगा वो भी। ओके, तो लेट स्टार्ट, हम इसकी अपनी एंट्री पास ऑन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 12 सितंबर, इस डेट को आपने सेल की है। जब आप सेल कर देते हैं क्रेडिट पे तो क्या एंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं? रिसीवेबल डेबिट और आपका सेल या आप उसे रेवेन्यू जो कह रहे होते हैं वो हो जाता है क्रेडिट। ओके, हो गया। कितने से होगा क्रेडिट? अब ये देखते हैं कितने की इनवॉइस जो है वो सऊदी रियाल में इशू हुई थी आपको, 72,000 रुपीज की। स्पॉट रेट क्या था? स्पॉट रेट उस डेट को क्या रेट था आपका? उस डेट को उसने बताया हुआ था 42 रुपीज क्वेश्चन में आपको। ओके, सो 72,000 × 42, तो आपने पाकिस्तानी रुपीज में अपनी कितने रुपीज की एंट्री ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी थी आज की डेट में? आपने की होगी 3,024,000 रुपीज। ओके, ये एंट्री पास ऑन होगी, रिसीवेबल भी डेबिट और आपका रेवेन्यू भी इससे हो जाएगा क्रेडिट। ओके, हो गया। अब आपको किस डेट को पैसे रिसीव हो रहे हैं? 19 नवंबर को कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं? एंट्री का पास ऑन होती है, कैश डेबिट, रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाता है। ओके, कैश आपके पास कितना है? अब ये आपने देखना है कि हमने किस अमाउंट से उसे रिकॉग्नाइज करना है। आप यहाँ पे अगर आप देखें तो कैश आपके पास कितना था आया, उसने आपको 72,000 रियाल पे करने, इससे ज्यादा तो नहीं उसने करने। ओके, कर दिए। अब आपका उस डेट को कन्वर्जन रेट क्या था ये आपने देखना है। उस डेट पे जिस डेट पे आपको कैश थी उस डेट पे आपका कन्वर्जन रेट था 44। तो 72,000 × 44 कितने पैसे आपके पास आए? आपके पास कैश आ गया जिस डेट से डेबिट हुआ, 3,168,000। ओके, रिसीवेबल आपका कितना था? आपने जितने से रिकॉग्नाइज किया हुआ था उतने से ही आपने क्रेडिट करके इसे खत्म करना है, ना इससे ज्यादा हो सकता है और ना इससे कम हो सकता है। यानी आपने उसको कस्टमर का अकाउंट ही जब आपने सेटल कर दिया तो पूरे का पूरा रिसीवेबल आप क्रेडिट कर रहे होंगे, ठीक है। अब जो डिफरेंस आ रहा होगा, अब आपने पैसे ज्यादा रिसीव हुए हैं कि कम? यानी जो है हमारा एक्सचेंज रेट की वजह से हमें कैसे ज्यादा रिसीव हो रहे हैं हमारी बुक्स में, या कम हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम ज्यादा रिसीव कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा हमारे पास? एक्सचेंज गेन, जितने पैसे हमने ज्यादा रिसीव कर लिए, यानी एक्सचेंज रेट की वजह से जितने पैसे हमारी बुक्स में ज्यादा आ गए हमारे अकाउंट में अब आ रहे हैं, वो कितना आ गया? 1,44,000 रुपीज। तो ये इसकी एंट्री पास ऑन होनी है जब आप उसके पैसे ले रहे हो या इसकी पेमेंट कर रहे हो। सेम एंट्री यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? पैसे रिसीव हो रहे हैं। अगर आप इसकी पेमेंट कर रहे होते तो क्या होना था? कैश आपका क्रेडिट हो जाना था और पेबल और एक्सचेंज गेन या लॉस जो था वो आ रहा होना था। सो यही इसकी एंट्री पास ऑन होनी थी। होप्स आपको ये समझ आया होगा कि यानी बेसिक एंट्री मैंने आपको पास करा थी, यानी वेरी बेसिक से चलते चलते उसकी हम पेमेंट तक आ गए। तो ये कंप्लीट सिनेरियो आपका कंप्लीट हो रहा है। अब हम चल रहे होंगे थोड़े से कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हम जो है मजीद इनको जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।